हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ECF? ऑप्शन ए के प्लस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। बात करते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हमें बताना है ब्लड प्लाज्मा में जो है कौन से आयन की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो यहाँ हम लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और यह बना होता है 90% वाटर आयंस, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट। तो इसमें जो आयंस होते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड प्लाज्मा में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वह होती है सोडियम आयन की, यानी कि हम इसे Na प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Na प्लस जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाज्मा ऑस्मोलेरिटी। प्लाज्मा ऑस्मोलेरिटी के लिए जो है सोडियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, और यह बना होता है 90% ऑफ द पॉजिटिव आयन्स, 90% ऑफ पॉजिटिव आयन इन द ECF या ब्लड प्लाज्मा। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड जो होती है यहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, वह सीक्रेट करती है हार्मोन जिसे हम एल्डो स्टीरोन कहते हैं, और यह हेल्प करता है सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में, कंसंट्रेशन को क्या करेगा यह मेंटेन रखता है एल्डोस्टेरोन, और सोडियम कंसंट्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग, जो ये इनकी कंसंट्रेशन होती है उनको मेंटेन रखेगा स्टिमुलेटिंग या स्टिमुलेशन द्वारा, और रेस्पॉन्सिबल होता है यह सोडियम आयन के कंसंट कंसंट्रेशन के लिए जो है ब्लड प्लाज्मा में, इनकी जो है कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जब इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन द डिस्टॉल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एंड जो डिस्टल
बुल्स होती है उनमें ही सोडियम आयन का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें बोला गया है मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोडियम आयन्स की जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है ECF में। अदर ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाते हैं। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।